भागलपुर मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर हरिजन टोला में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि लोगों के बीच काफी अफरा तफरी मच गई। वहीं भीषण आग की लपेटे से 10 लाख की संपत्ति जलकर खाक होने की खबर है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हो जाने के कारण आग लगने की सूचना है। लोगों ने बताया कि नाला का पानी से आग पर काबू पाने के लिए काफी जद्दोजहद किया, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी आग पर काबू नहीं हो पाया। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की प्रयास किया। इधर आग लगने से लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि जिस घर में आग लगा है उस घर में मिट्टी तेल का बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार होता था। हालांकि मामले को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। अरविंद कुमार की रिपोर्ट। बाबू हम नाश्ता बना रहे थे, हम कुछ नहीं जानते हैं बाबू। आग कैसे लगा, इतना भयानक आग लगा? बाबू हम कुछ नहीं जानते, हम खाना बना रहे थे, बे अचानक लगी है सर। हम खाना चूल्हा में बना रहे थे। एक सेकंड बोलने दीजिए ना। किस कारण से? गैस खत्म हो गया था सर। गैस का? आपके पति तेल का भी कारोबार? नहीं बाबू, टोटो चलाते हैं। टोटो चलाते हैं? आसपास के लोगों का तो कहना है कि तेल का भी व्यापार? नहीं बाबू, पहले करता था। अच्छा। तेल ताप है ना, मिट्टी का तेल का ताप करता था। अब कुछ नहीं है बाबू, 2016 में खत्म हो गया है। नहीं बाबू कोई ना घायल है। पति कहाँ है आपके? पति मेरा बाहर गया, टूटे ये लेके बिहारिये पहुँचे बजे निकला सर, अभी तक नहीं दे। अमी सर, हम लोग कमाने गए थे, हम लोग घर में थे नहीं। जब आग लगा तो हम लोग आए दौड़ करके, आने के बाद देखते हैं पूरा आग पूरा फैल रहा है और आग। हाँ, घटना की सूचना कब मिली आप लोगों? सर हमको 1.5 घंटा के बाद मिला है। डेढ़ घंटा के बाद? क्या लगता है क्या कारण है आग लगने? सर तेल से आग लगा है। तेल से आग लगा इनके घर में आग लगा है जो कैलाश शाह है जी, उनके परिवार वालों का कहना है क्या कि सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगी है। हाँ, अभी तो हम लोग देखे नहीं है सर क्या लगा है। तेल का व्यवहार करते थे।